नमस्ते, मैं हूँ आचार्य सिद्धार्थ। आपका स्वागत करता हूँ इस विशेष रील में, जहाँ हम भगवद गीता के अध्याय 1 श्लोक 31 की गहनता में जाएंगे। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मुझे युद्ध में अपने इस वचनों को वध करके कोई भी सार्थक लाभ नहीं दिखाई देता। मुझे ना तो विजय की, ना राज्य की और ना ही भोगों की इच्छा है। इस श्लोक में अर्जुन का मानसिक संकट और विकल्पता स्पष्ट रूप से दर्शित होती है। वह अपनी आदतों और सुखों का वध का विचार करता है। उसे लगता है कि वह ना तो भौतिक सुख प्राप्त कर सकता है और ना ही आंतरिक आनंद। वह विचारता है, मैं कुछ नहीं चाहता, मैं ब्रह्मांडीय चेतना की प्राप्ति के लिए अपनी संवेदनशीलता का वध करने के लिए तैयार नहीं हूँ। इसी प्रकार मनुष्य अपने बचपन में ये सोच रखता है, अगर मुझे आइसक्रीम से पहले पालक खानी पड़े तो मुझे आइसक्रीम भी नहीं चाहिए। यही योजना है कि ये एक महान बलिदान के रूप में स्वीकृत हो, जो दया या अनुकूल समझौते के लायक। ये नकारात्मक संन्यास की स्थिति केवल ध्यान के दौरान ही नहीं, बल्कि गहन ध्यान के बाद भी हो सकती है। जब भक्त अचानक अपने संस्कारों और संवेदनशील आनंदों की याद द्वारा विक्षिप्त होता है, वह व्याकुल हो जाता है, समझता है कि उसके पास ना तो आत्मिक आनंद है और ना ही भौतिक सुख। यहाँ भगवद गीता हमें ये सिखाती है कि संन्यास स्वयं में एक उद्देश्य नहीं है। व्यक्ति को अपनी निम्न गुणता भरे संवेदनशील स्वादों का त्याग करके उसे अनंत आत्मिक आनंद प्राप्त करने की दिशा में अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अध्याय 1 श्लोक 31 के माध्यम से भगवद गीता हमें दर्शाती है कि कैसे हम अपने भौतिक और आत्मिक जीवन का संतुलन बनाए रख सकते हैं और कैसे हम अपनी आत्मिक यात्रा में दृढ़ता से आगे बढ़ सकते हैं। आइए हम भी अपनी अंतरात्मा की सुने और भगवद गीता के अमूल्य संदेशों का पालन करके अपने जीवन को एक नई दिशा दें। आपकी आत्मा को नमन। प्रणाम।